आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी वानगी बीती रात सिंगरौली जिले में देखने को मिली है। एक और प्रशासन शासन रेत माफियाओं सहित रेत के अवैध खनन व परिवहन पर अंकुश लगाने का दावा कर रही है, तो वहीं रेत माफिया प्रशासन पर अब भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र से, जहां राजा सराई इलाके की है, जहां रेत के अवैध खनन व परिवहन की सूचना पर पहुंची खनिज टीम पर रेत माफिया ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। यहां रेत माफिया द्वारा किए गए हमले के बाद खनिज टीम को लहूलुहान हालत में ही जान बचाकर भागना पड़ा है। घटना रविवार की रात राजा सराई इलाके की है। बताया जा रहा है कि खनिज अधिकारी को नदी से रेत का अवैध खनन व परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। खनिज अधिकारी के निर्देश पर इंस्पेक्टर कपिल मुनि शुक्ला टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेत से लोड ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले जाने की कार्रवाई कर रहे थे, तभी वहां लाठी डंडे व रॉड से लैस रेत माफिया ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर खनिज टीम पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने घायल निरीक्षक सहित 4 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और शिकायत के बाद हमलावरों की तलाश में जुट गई है।